हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ गुरप्रीत सिंह। पिछले 2-3 वीडियो पहले हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, उसका यूज़ क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पे काम आता है, सेंटेंस बनता कैसे है और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमको यूज़ क्या क्या है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है उसका अगला टेंस, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये सीखना बनता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे काम आता है और इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमको चलता हुआ एक्शन बताता है। ये आपको वो बताता है कि जो एक्शन में काम चल रहा है, जारी है। जैसे एक चाबी वाला खिलौना होता है, उसको हम वैसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइंड की टॉय। जो चाबी वाला खिलौना है तो जब तक उसके अंदर आप चाबी भर देते हो, जब तक उसके अंदर चाबी का वो सिस्टम रहता है, तब तक वो कोई ना कोई एक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। उसी तरीके से आप जब तक सोते नहीं हैं, कोई ना कोई एक्शन आपके साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी भी अगर आप सोचें कि आपके साथ कौन कौन से काम चल रहे हैं, एक तो आप शायद मुझे देख रहे होंगे, दूसरा आप मेरे को सुन रहे होंगे, तीसरा आप देख रहे होंगे, चौथा आप सांस ले रहे होंगे, पांचवा जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, आप कुछ ना कुछ सोच भी रहे होंगे। कोई भी एक्शन हो, जैसे अगर आपके घर पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो हर टाइम कोई ना कोई एक्शन चलता रहता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो हमको ये बताता है कि किस टाइम कौन सा एक्शन चल रहा है। अगर आप बैठे हो तो बैठने वाला एक्शन चल रहा है, अगर आप खड़े हो, खड़े होने वाला एक्शन चल रहा है, चल रहे हो, चलने वाला एक्शन चल रहा है, आ रहे हो, आने वाला, जा रहे हो, जाने वाला, लिख रहे हो, लिखने वाला। जब भी आप कोई ना कोई एक्शन चल रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तरीका वही है, सबसे पहले पर्सन लगना है, पर्सन, और उसके बाद हमने सीखा था उसमें एक्शन लगता था, बट इसमें पर्सन और एक्शन के बीच में इज, एम, आर लगेगा और एक्शन में ये चीज़ लगेगी ing, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। इज, एम, आर, ing का कहाँ कहाँ लगता है? आई के साथ, यानी कि अगर आपने अपनी बात करनी हो तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। सामने वाले की बात करनी हो, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर और वी के साथ आर। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्सन यूज कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ एक हेल्पिंग वर्ब या कुछ खास शब्द या कोई टाइम वर्ड इज, एम, आर जरूर लगाएं, उसके बाद एक्शन लगाएं, एक्शन के बीच में ing लगा दें और उसके बाद क्या लगा दें? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगा दें। जैसे आप अपने पर्सन के साथ ये सेंटेंस बना सकते हैं, उसी तरह ये चीजों के साथ भी बन सकता है। जैसे बस के साथ, बस इज गोइंग, बस इज कमिंग, फैन इज वर्किंग, कुछ भी ऐसा आप चला सकते हैं। पर थिंग के साथ एक चीज का, अगर एक थिंग है तो वहां पे क्या लगेगा? इस ज्यादा है तो क्या लगेगा? आर। ये कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा इसको बुक से स्टडी करते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसे बनता है। अभी ये बुक है रेवोजन ESPDV, इसका हम पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर 31, जिसकी आप हेडिंग ही पढ़ रहे होंगे, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे को उम्मीद है कि बुक अब हर किसी के पास होगी, क्योंकि अब हर स्कूल से बुक्स अवेलेबल हैं। उसको हम डीपली थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, वो आपको एक मैसेज करता है ऑनगोइंग एक्शन, और वो भी कौन से टाइम का? चल रहे टाइम का। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप ये बुक वीडियो देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप सांस ले रहे हैं, आप आँख, आपकी आँखें ब्लिंक हो रही हैं, आप कुछ सोच रहे हैं,
आपकी मम्मी शायद खाना बना रही है, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारे प्रेजेंट टेंस में, अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी पर्सन लेंगे, कोई ना कोई पर्सन हर काम में बिजी होता है, तो वो हर प्रेजेंट टाइम के ऑन गोइंग एक्शन बताता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहली एग्जाम्पल है आई एम वर्किंग नाउ, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग लंच, यानी कि मैं लंच कर रहा हूँ। हमको कैसे पता लगता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? आई के साथ क्या लगा हुआ है इसमें? एम। और वर्क के साथ क्या लगा हुआ है? आई एन जी। फिर देखिए आई के साथ क्या लगा हुआ है? एम। और ईट के साथ क्या लगा हुआ है? आई एन जी। सो यानी कि अगर आपको कभी भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ क्या मिल जाए? आई एन जी, यानी कि वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले अगर आपने पर्सन के लिए बनाना है, क्या आएगा? पर्सन। पर्सन के साथ क्या आएगा? इज एम आर। एक्शन, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और साथ में क्या आएगी? आई एन जी। और उसके बाद क्या आएगा? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चीज़ें बनानी है थिंग, अगर एक चीज़ है तो उसके साथ क्या आएगा? इज। ज़्यादी है तो क्या आएगा? आर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी। और फिर साथ में क्या आएगा? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ के देखते हैं। आई एम रीडिंग, आई पर्सन। आई के साथ क्या लगा? एम। और रीड में क्या लगा? आई एन जी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग बुक मैं पढ़ रहा हूँ। यू के साथ क्या लग गया? आर। ही के साथ क्या लग गया? इज़। ही के साथ क्या लग गया? इज़। इट के साथ क्या लग गया? इज़। वी के साथ क्या लग गया? आर। दे के साथ क्या लग गया? आर। और सभी एक्शंस के साथ क्या लग गया? आई एन जी। ये कुछ खास ख्याल रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क है। यानी कि देखिए, हमने पिछली वीडियो में सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वो टेंस है जो हमको रूटीन बताता है, जो हमको बताता है कि कोई हैबिचुअल एक्शंस बताता है, यानी कि वो एक्शंस जो हमने पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, कल भी करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो बताता है जो इस समय चल रहा है आपके साथ, जो इस समय आपके साथ चल रहा है, वो हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है। अभी हम एक्सरसाइज पहले सॉल्व करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे। ब्लैंक्स बहुत ईजी हैं, आई एन जी पहले लगी हुई हैं। आपको पर्सन देख के क्या लगा देना है? इज़ लगा देना है, या एम लगा देना है, या आर लगा देना है। आई हुआ तो एम, यू हुआ तो आर, ही हुआ तो इज़, नेम हुआ तो इज़, रिलेशन यानी कि फादर मदर हुआ तब भी इज़, अगर दे हुआ तो आर, वी हुआ तो आर। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या है? आई। आई के साथ क्या लग जाएगा? एम। राम है, राम के साथ क्या लग जाएगा? इज़। बाकी दो आप खुद सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद नीचे है कुछ हमारे वर्ड्स, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके हम मीनिंग देख लेते हैं। पहला है सेल जैगरी। सेल जैगरी मतलब जो आप सर्दियों में गुड़ खाते हो ना, वो होता है जैगरी, उसको बेचना सेल। प्रिपेयर टी तो आपको शायद पता होगा, चाय बनाना। अटेंड क्लास, क्लास अटेंड करना। ऑफर प्रेयर, जब हम गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद में जाके अरदास करते हैं, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। वेस्ट टाइम यानी कि टाइम वेस्ट करना। सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स जैसे कि यानी कि त्यौहार मनाना। बारगेन जो हमारी आदत होती है, कम ज़्यादा करना। और मोप यानी कि पोछा लगाना। अब नेक्स्ट आपके सामने सेंटेंस है, यहाँ पे आपके पहले फिलिंग द ब्लैंक में आपने इज एम आर भरना है, और यहाँ पे सबके साथ ये वर्ड के साथ क्या लगा देनी है? आई एन जी लगा देनी है। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिए। द विलेजेस, विलेजेस मतलब ज़्यादा इंसान है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर। सेल में क्या लग जाएगा? सेलिंग। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग टी। बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए। सो नीचे कुछ फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप उसका मीनिंग लिखिए, फिर आप सेकंड फॉर्म लिखिए, फिर आप थर्ड फॉर्म लिखिए। ये इसमें तो काम नहीं आएंगी फॉर्म्स, बट आपको अगले टेंस में हमको थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, तो उसकी छोटी छोटी सी तैयारी आप हर पेज पे अब मिलता जाएगा आपको। सो इसका आप फॉर्म्स ज़रूर लिख लीजिए, और आप अपने फॉर्म्स को याद भी जरूर कर लीजिए। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं कि ये कहाँ पे काम आएगा। ये बेसिकली वहाँ पे काम आता है जब हमने किसी भी जगह का कोई सीन डिस्क्राइब करना हो। पहला पहला सीन हमारे पास कौन सा है? रेलवे स्टेशन का। ये ब्रैकेट में क्या दिए गए हैं? बहुत सारे एक्शंस दिए गए हैं। और पर्सन कौन सा है? पीपल। आप कईयों के बाद सम भी लगा सकते हैं, मैनी भी लगा सकते हैं, फ्यू भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। सम पीपल आर गोइंग, सम पीपल आर सिटिंग। मैनी, सम पीपल आर गोइंग, सम आर कमिंग, मैनी आर सिटिंग एंड फ्यू आर स्टैंडिंग। कुछ भी आप ऐसा बना के आप इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भर सकते हैं। दूसरा, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पीपल आप यहाँ पे पैसेंजर्स भी कर सकते हैं। और शॉपकीपर, जैसे वहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। शॉपकीपर्स आर सेलिंग थिंग्स, सम आर कीपिंग मनी इन द कैश बॉक्स। कुछ भी आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे इज एम आर और आई एन जी ज़रूर लगनी है। ये चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा।
अगर आपने अब इस सेम टेंस का नेगेटिव बनाना है तो सिंपल सा एक ही वर्ड लगना है, वहाँ पे क्या लग जाना है, नॉट। पर्सन तो वही रहेंगे, इज एम आर भी वही रहेगा, आई एन जी भी वही रहेगा, बट इज एम आर के साथ क्या लगा देंगे, नॉट। अगर आप इन दोनों को जोड़ के ये शॉर्ट फॉर्म्स भी बन सकती हैं, तो ये अब आपकी मर्जी है। आपने एम नॉट लगाना है कि ऐसे लिखना है, आपने आर नॉट लगाना है कि आरेंट लिखना है, इज नॉट लगाना है कि इजेंट लिखना है, ये आपकी मर्जी है, दोनों ठीक होते हैं। ये क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। सो नेक्स्ट फिर से हमारे पास कुछ डिफिकल्ट वर्ड आ चुके हैं, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। ये आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है आई डबल एन इन, ये तो ये सराह, जैसे आप जाते हो ना गुरुद्वारे में तो आप सराह में रुकते हो, ये उसको हम इन बोलते हैं। स्टे का मतलब कहता है रुकना, स्टे इन, इन मतलब सराह में रुकना। दूसरा है राइड बाइसिकल, यानी कि बाइसाइकिल चलाना। तीसरा है, एक है वर्ड देखो ध्यान से, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, कि अपने ऊपर जो किताब बंदा खुद लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसको पढ़ना क्या होगा, रीड। नेक्स्ट है ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। सेल टिकट, ये तो आपको पता होगा, टिकट बेचना। गॉसिप मतलब गप्पे मारने फ्री टाइम में। प्ले कार्ड यानी कि ताश पत्ते खेलना। नेक्स्ट है कि अब आपके जो आपने सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। आपने इनको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। सारे का सारा सेंटेंस वही आएगा, बट सिंपल बस इज एम आर के बाद क्या लगा देना है, एन ओ टी नॉट, बस इतना ख्याल रखना है। पीपल आर स्टेइंग इन द इन, पीपल आर नॉट स्टेइंग इन द इन, ये मतलब आपके आपके मर्जी की बात है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो आपने इज एम आर लगाए हुए हैं उसको आप क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपके लिए बता देता हूँ, यू आर गोइंग, अब इसमें क्या है, आर, आर को आप बाहर निकाल दो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन जाएगा। ये देखो यू आर गोइंग, ये पॉजिटिव है, आर के साथ नॉट लगा दो नेगेटिव बन जाएगा, आर को बाहर निकाल दो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। यू आर गोइंग क्या बन गया, आर यू गोइंग। सिंपल सा है, इज एम आर है, थिंग के साथ इज आर लगा होगा, उसको उठा के बाहर निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर देते हैं, आई एम सॉल्विंग सम, आई के बाद क्या लगा है, एम, एम को बाहर निकाल दो क्या बन गया, एम आई सॉल्विंग सम्स। वी आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, आर को बाहर निकाल दो, आर वी लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये तीनों टेंसेस इकट्ठे कर दिए गए हैं, एम आई सॉल्विंग सम्स, ये क्या है, इंटरोगेटिव, इसका आंसर आप पॉजिटिव भी देंगे नेगेटिव भी देंगे। आई एम सॉल्विंग सम्स, ये पॉजिटिव हो गया, आई एम नॉट सॉल्विंग सम्स, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, वी का वी लगेगा, दे का दे लगेगा, यू का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। पॉजिटिव में इज एम आर लगेगा, नेगेटिव में इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और आई एन जी लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, मैंने यानी पहले भी आपको बताया था, अब हमको अगले टेंस के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म की हम धीरे धीरे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आप इसको पहले आप मीनिंग लिखिए, मीनिंग के बाद आप उसकी सेकंड फॉर्म लिखिए, सेकंड फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लिखिए, और ये फॉर्म्स को याद रखिए, क्योंकि अगले टेंस में हमको फॉर्म्स ही चाहिए। सो अभी हमने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करके देखी, उसको टेंसेस बना के भी देखे, उसका एक प्रैक्टिकल सीन भी क्रिएट करके देखा। जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन का सीन है, आप सीन ऑफ क्लासरूम भी बना सकते हो, आप सीन ऑफ बस स्टैंड भी बना सकते हो, सीन ऑफ मार्केट भी बना सकते हो। सिंपल, आप उस जगह के बारे में सोचिए, उस जगह पे अलग अलग इंसान होंगे उनके बारे में सोचिए, उनके अलग अलग एक्शंस होंगे उनके बारे में सोचिए। इंसान के साथ क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा दीजिए, और एक्शन के साथ क्या लगा दें, आई एन जी लगा दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो वही रहेगा। अब हम एक एक्टिविटी इसके ऊपर हम बनाना चाहेंगे। ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्टिविटी होगी, कि अभी आप एक एक्शन करेंगे और उसको आई के साथ बोलेंगे। जैसे आप बैठे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग। खड़े हो जाएंगे तो क्या बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग।
मोबाइल फोन हाथ में रखिएगा, चलिएगा क्या बोलोगे, आई एम वॉकिंग, भागिएगा आई एम रनिंग, जंप कीजिएगा आई एम जंपिंग। आप मोबाइल फोन अपने हाथ में भी लिख सकते हैं, आप मोबाइल फोन अपने घर पे किसी फैमिली मेंबर को भी पकड़ा के उसके वीडियो शूट करेगा, आप वहां पे वो एक्शन कीजिए और साथ में आप उसको ING यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कन्वर्ट करके देखिए, और अगर आप हो सकता है तो यू भी इंक्लूड कीजिए, ही और शी भी इंक्लूड करके देखो। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना, एक्शन करना जरूरी है, वीडियो में एक्शन आना चाहिए, एक्शन को सोचो पहले, इसको वीडियो को बनाने से कम 50 एक्शन सोचिए, 50 एक्शन सोचिए जो आप घर पे कर सकते हैं, फिर एक सामने वाले व्यक्ति को कैमरा पकड़ाइए और उसमें जोर से एक्शन बोलिए, फिर उसको ING में चेंज कीजिए, एक्शन करते हुए लाइन को IM के साथ जरूर एक बना के भेजिए। पिछली भी वीडियोस आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे काफी ज्यादा इसको सीरियसली ले रहे हैं, और अभी मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा दी हैं, तो आप अपने बुक पे आराम से इसको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके अपने टीचर्स को फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं ताकि आपके टीचर्स इसको चेक कर सकें। बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है तो वह इस वीडियो से सीख सकता है। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो उसको फॉलो कीजिए या पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।